जुदा हुए मिस्टर एंड मिसेस मीत। दो दीवानों की तड़प, जी टीवी के सीरियल मीत में मिस्टर एंड मिसेस मीत गए तो थे राजस्थान हनीमून ट्रिप के लिए ताकि अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके, लेकिन कहानी में आ गया ट्विस्ट क्योंकि वहां पर जाकर दोनों बिछड़ गए रेगिस्तान में। ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मीत की बहन मानुषी का है, जिसने चाल चली तो थी मिस्टर एंड मिसेस मीत को अलग करने की, लेकिन किस्मत का कनेक्शन तो देखिए, दोनों के प्यार ने इस तूफानी रेत में एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। मीत हुड्डा और मीत अलावत एक हो रहे हैं, लेकिन वो किस लेवल पर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं वो आप लोगों को जानना पड़ेगा एपिसोड देखकर, और आगे भी क्या होता है वो भी आपको जानना पड़ेगा। आप देखिए एनी टाइम एनीवेयर ऑन Z5। शादी एक्सेप्टेबल ही नहीं थी, अरेंज मैरिज थी पर वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी, और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ और अब जाके मीत अलावत ने मीत हुड्डा को थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू किया है, तो अभी तो हम वो फ्रेंडशिप वाले स्टेज पर ही हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप मतलब यू शुड लुक लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, और दोस्ती यारी हो गई सब, बट हम चाहते हैं ग्रेजुअली लेट्स सी कि हमारा रिश्ता कैसे कहाँ तक मूव करता है, लेकिन इट्स अ जर्नी, वो एक दिन में अचानक से पति पत्नी नहीं बन जाएंगे, इन दोनों की बहुत लंबी एक जर्नी है जो कि बहुत प्यारी है, जो नेचुरली किसी के भी साथ होगा वो हो रहा है, तो अभी तो हम फ्रेंडशिप जोन में हैं। भाई प्यार की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है, जो दोनों के बीच शुरू भी हो गई है। जरा देखिए कैसे ड्रामे वाले सीन के बाद जब दोनों मिले तो कितने खुश दिखे, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मिस्टर मीत ने मिसेस मीत के आगे अपने बड़े भाई तेज का जिक्र भी किया, जो बहुत पहले गुम हो चुका था। मेरा और तेजवीर जी का जो बॉन्ड था ना, वो छोटे बड़े भाई वाला बॉन्ड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड था। और तुम्हें पता है कभी कभी स्कूल में ना, जैसे बच्चे मुझे बुली कर लिया करते थे क्योंकि मैं टॉल था और लंबी हाइट होने की वजह से, और मैं शरीफ था तो ना मुझे बुली करते थे, और तब मेरा तेज भी था ना अपनी क्लास बंक करके मेरे साथ आकर खड़ा हो जाता। ऐसे कितने सारी इनसिक्योरिटीज, कितने सारे डर, कितनी सारी चीज़ें, कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरी लाइफ से बाहर कर दी ना, मुझे तो कुछ पता नहीं। अच्छा तुम तो बड़ी शेर दिल रही हो ना, हाँ तुम्हें तो किसी चीज़ से डर लगता ही नहीं है, हाँ कोई चीज़ नहीं है जिससे तुम्हें डर लगता है। अच्छा एक सेकंड, हाँ ना मतलब कुछ तो है। राजस्थान आके बहुत बढ़िया लग रहा है, एक तो राजस्थान में गर्मी, अभी इस वक्त तो धूप है लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ही लाजवाब ठंड भी पड़ रही है, और खाना, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का गाना बजाना, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। दोनों कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे विच इज़ डिस्टर्बिंग एज वेल, लेकिन मज़ा आ रहा है। और अगर मुझसे पूछे तो मुझे यहाँ शूट करके बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बहुत टायरिंग शेड्यूल चल रहा है, हम रोज़ 16 घंटे शूट कर रहे हैं, सुबह से रात तक बस शूट, और काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग है व्हेन यू कम आउटडोर, ठंडी का मौसम है, सो फीलिंग नाइस। भाई मिस्टर एंड मिसेस मीत नए रिश्ते की शुरुआत तो कर ही रहे हैं, साथ ही राजस्थान में पुराने रिश्तों की सौगात भी मिल रही है। जी हाँ, मिसेस मीत को मिल गए हैं मिस्टर मीत के बड़े भाई तेज अलावत, जो भले ही दिमागी रूप से थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन अब उन्हें मिल गया है मीत का सहारा, जो तेज को अपने साथ लेकर घर जाएगी, और फिर आएगा कहानी में नया ट्विस्ट जिसे देखना काफी मजेदार रहेगा।
मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।